गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब बच्चे? इस साल हम लोग अप्रैल और जून में कोरोना की वजह से कोचिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप लोगों की पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, आप घर बैठ के आसानी से पढ़ सके, इसलिए आज से ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है, रिपीट, बुक नहीं है, तो आप लोग स्पेशली मेरी कोचिंग के बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ते हैं, राठी की बुक से तैयारी करेंगे। पुरानी बुक्स आप ले सकते हो, सिलेबस चेंज होने को 2 साल हो चुके हैं, दैन 2 साल पुरानी बुक भी आपकी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे, प्रोफेसर राठी की बुक से ही हम लोग वीडियोस तैयार करेंगे और आपके सामने रखेंगे। और एक बात ये है कि पहले मुझे आपको सिलेबस समझाना पड़ेगा कि आपका सिलेबस एक्चुअल में है क्या, क्योंकि एक बार जब आपके सामने सिलेबस आ जाएगा ना, तब जाके आपको अकाउंट्स का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि साल भर हम लोगों ने जरा सी भी ढिलाई करी कि हो जाएगा, कर लेंगे, प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये है आप लोगों का सिलेबस जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। फिलहाल ये हाफ सिलेबस है, मींस हाफ ईयरली में यहाँ तक आता है। देखिए मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअल में। देखिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी मीडियम वाले, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, यानी हम हमारे आसपास जितनी भी दुकानें, जितने भी बिजनेस, जितने भी फैक्ट्रीज देखते हैं, ये सब लाभ कमाने वाली संस्थाएं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही एम होता है, प्रोडक्ट्स, वस्तुएं बनाए, बेचे, खरीदे, बेचे और प्रॉफिट कमाए। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती है तो प्रॉफिट कमाए बिना ही आगे चलती है। मतलब इनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही एम होता है, भाई प्रॉफिट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम देश प्रेम, समाज सेवा, लोगों की कल्याण के कार्य करेंगे। बहुत सारी संस्था ऐसी होती है, गुरुद्वारा कमेटी, मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी, साई संस्थान, साई बाबा मंदिर संस्थान, उन सब के अकाउंट हम लोग यहाँ फर्स्ट यूनिट में करना चालू करेंगे। और ये जो फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्था है, ये टोटल 10 मार्क्स 10 नंबर की, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट शुरू के 10 दिनों में मैं आपको ये कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप जब तक ये चैप्टर चलेगा आपके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए, 10 मार्क्स। ओके, फिर आपकी जो सेकेंड यूनिट है साझेदारी लेखांकन, पार्टनरशिप अकाउंट। ये पार्टनरशिप क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा पिछले साल 11th में कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को आपस में बांटते हैं, प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। यहाँ आपको वही सिखाया जाएगा कि पार्टनरशिप शुरू कैसे होती है, उसके अकाउंट कैसे बनते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस को बांटते कैसे हैं, यह आपको सिखाया जाएगा। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का, क्योंकि देखिए ये दो चैप्टर नहीं है, ये दो यूनिट है। ओके, ये दो यूनिट। अब आप लोग आगे देखोगे तो आपकी जो सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, यहाँ आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा, कॉमन वर्ड साझेदारी, इंग्लिश वाले पार्टनरशिप, पार्टनर एंड पार्टनर,
मीन्स अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग शायद ये इसके बाद आने वाले 4 चैप्टर नहीं कर पाओगे। 12th में यही एक खास बात है, ये सारे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये अलग है, ये डिफरेंट है। ये सारे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऑल चैप्टर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, सारे पार्ट साझेदारी से संबंधित है। एंड अगर आप इसे भी समझोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। जैसे ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप है, इसमें आपको सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में समझाया जाएगा, पार्टनरशिप वाले अकाउंट कैसे बनाते, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते, सिंपल सिंपल सी बात इसमें आएगी, सिंपल पार्टनरशिप है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड यूनिट पे जाओगे वहाँ 3 चैप्टर और वो तीनों चैप्टर इससे कनेक्टेड है। जैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन कैसे होता है, साझेदारी का पुनर्गठन कैसे होता है, यानी पार्टनरशिप जब 5-6 साल 10-12 साल आगे चल जाती है तो उसको फिर से रिकंस्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, फिर से उसका पुनर्गठन कैसे किया जाता है, उसके नियमों में बदलाव क्या होता है, और अगर उसके रूल्स बदल जाए, नियम बदल जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें सिखाया जाएगा। फिर यहाँ है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब अगर बीच में कोई नया पार्टनर आ जाए तो अकाउंटेंसी अकाउंट प्रिपेयर करते समय उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ समझाया जाएगा। फिर साझेदार की मृत्यु और अवकाश, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें आपको ये समझाया जाएगा कि भैया जब पार्टनरशिप में से कोई जाता है, हो सकता है किसी रीजन से बाहर चला जाए या किसी की डेट हो जाए, तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब सिंपल पार्टनरशिप है ये, पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना मतलब पार्टनरशिप के रूल्स में चेंज करने पर क्या होता है, इसमें समझाया जाएगा। यहाँ समझाया जाएगा कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, नया साझेदार आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट्स कैसे बनेंगे, और कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है, जाता है छोड़कर, या किसी की डेथ हो जाती है, वो यहाँ समझाया जाएगा। और ये 3 चैप्टर 15 मार्क्स के लिए 15 नंबर। ओके, देखिए उसके बाद आपकी जो 4th यूनिट है वो है साझेदारी का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी यहाँ आप अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दोगे, एंड कर दोगे। तो आपको समझ में आया, यहाँ पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, नॉर्मल से रूल समझाए जाएंगे कि अपने अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसके रूल्स में अगर चेंजेस हो जाए तो क्या होता है, यहाँ समझाया जाएगा। फिर कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, यहाँ समझाया जाएगा। और जब कोई पार्टनर की डेट होती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, छोड़कर जाता है, तब क्या होता है, यहाँ समझाया जाएगा। और लास्ट में अगर किसी रीजन से पार्टनरशिप बंद हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ समझाया जाएगा। ओके, ये आपका हाफ सिलेबस है और ये चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स है, यानी आप देखिए टोटल 45 मार्क्स। क्या ये आपका हाफ सिलेबस, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर 45 मार्क्स। ठीक है, और ये हाफ सिलेबस है, मतलब मीन्स आप एक बात याद रखना, हाफ पेरियड तक इतना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए आपके हाफ ईयरली नॉर्मली दिसंबर तक जाती है, देखिए हाफ ईयरली कितना सिलेबस है। ठीक है, आपका वो हाफ सिलेबस था, अब बाकी का जो हाफ सिलेबस है 55 मार्क्स का है। अब देखिए जो 45 मार्क्स का आपने पीछे सिलेबस देखा उसे करने में टाइम लगता है, मीन्स हाफ ईयरली एग्जाम आने तक वो कंप्लीट होता है। मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक तो कंप्लीट करा पाता हूँ,
हाँ, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो थोड़ा फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट दिसंबर जनवरी दो महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, 45 मार्क्स के सिलेबस को बहुत टाइम लगता है और 55 मार्क्स का सिलेबस केवल दो महीने में हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कवर होता है छोटे छोटे चैप्टर से। यानी पीछे के चैप्टर बहुत बड़े बड़े थे, ये छोटे चैप्टर, फिर भी 55 मार्क्स। फिफ्थ यूनिट जो है आपकी कंपनी है, और कंपनी पार्टनरशिप खत्म, कंपनी स्टार्ट। पार्टनरशिप और कंपनी में यही तो डिफरेंस होता है, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग, एटलीस्ट 50 लोग मिलकर चलाते हैं, कंपनी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, कंपनी जैसे हमारे आसपास कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, तो कोई प्राइवेट फैक्ट्रीज है, कोई पब्लिक सेक्टर से कंपनी, तो आपको यहाँ कंपनी के बारे में समझाया जाएगा और यहाँ से पूरी टोटल कंपनी स्टार्ट है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। चलिए समझ में आया आपको, यानी आप लोगों ने जो पिछला देखा था पार्ट, पूरी पार्टनरशिप थी एक फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया जाए तो, और अब 55 मार्क्स की पूरी टोटल कंपनी है। यानी आप लोगों को एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है और वो ये है कि अगर कोई एक चैप्टर मिस होता है तो आप उसके अगले चैप्टर पे नहीं जा सकते। ओके, यहां सिखाया जाएगा कंपनी अंशों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर। कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, हिंदी मीडियम वाले से पूंजी कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले से कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल कहां से आएगी, कोई एक आदमी तो लगा नहीं सकता, वरना वो तो सोलो ट्रेडर मतलब एकाकी व्यापार बन जाएगा। चार पांच लोग मिलकर लगाएंगे तो पार्टनरशिप बन जाएगी। पब्लिक से पैसा मांगा जाता है और पब्लिक को उसके बदले शेयर दिए जाते हैं और वो पब्लिक फिर कंपनी की मालिक बन जाती है, ऑनर बन जाती है, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे और कंपनी ने उनसे पैसे लिए। जैसे आप लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, मैं आपको शेयर दूंगा और आप मेरी कंपनी को पैसा दोगे और आपके पैसे से मेरी कंपनी चालू होगी। इस चैप्टर में ये सिखाया जाएगा इश्यूज ऑफ शेयर, मतलब कंपनी पब्लिक में शेयर कैसे बांटती है। ओके, फिर अगला है अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। मतलब कनेक्टेड तो है, ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा 101%। अगर कोई बच्चा ये सोचता है ये छोड़ दे यार ये कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई बच्चा ये सोचता है ये कर लेते हैं ये छोड़ देते हैं या ये कर लेते हैं ये छोड़ देते हैं, बोलने का मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ोगे नुकसान आपका है। इस चैप्टर में कंपनी पब्लिक से पैसे लेकर उन्हें शेयर बांटती है और कैपिटल जमा करती है पूंजी, और उसी से वो अपना बिजनेस अपना पूरी फील्ड को आगे बढ़ाती है। और अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी पर्सन ने कंपनी द्वारा मांगे हुए पैसे या कंपनी द्वारा मांगे हुए अमाउंट समय पर टाइम पर नहीं पहुँचाया तो कंपनी ऐसे लोगों को बेचे हुए शेयर उनसे वापस ले लेती है, छीन लेती है और फिर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे पर्सन को वापस से बेचती है। इसे कहते हैं शेयर फॉरफिटेड, शेयर छीनना, जिसने पैसे लिए उसे शेयर छीन लो एंड री इशू उसे वापस दे किसी और को दे दो। यहाँ कंपनी पब्लिक को शेयर बांटेगी और यहाँ जिसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया कंपनी उससे शेयर छीन लेगी, हरण फॉरफिटेड, और किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगी री इशू निम्न। ठीक है, शेयर बांटते कंपनी के पास पैसा आता है, कैपिटल आता है और उसकी एक लिमिट होती है। शेयर बढ़ जाने के बाद कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी फिर लोगों से कर्जा लेती है, कर्जा लोन लेती है और उसके बदले उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है और वो सर्टिफिकेट कहलाता है ऋण पत्र, डिबेंचर। ये सबूत होता है इस बात का कि कंपनी आपके क्रेडिटर है, कंपनी आपकी लेनदार है, कंपनी ने आपसे कर्जा लिया है और हम आपको कर्जा ब्याज समेत विद इंटरेस्ट वापस करेंगे, तो वो कहलाता है ऋण पत्र, डिबेंचर।
और वो आपका अगला चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ डिबेंचर, यानी अंश शेयर और ऋण पत्र डिबेंचर ये दोनों अलग अलग है। अंश शेयर भी पब्लिक को बांटे जाते हैं, ऋण पत्र डिबेंचर भी पब्लिक को बांटे जाते हैं, पर शेयर बांटकर अंश बांटकर कंपनी कैपिटल जमा करती है पूंजी, और ऋण पत्र बांटकर डिबेंचर बांटकर कंपनी लोगों से कर्जा लेती है। तो यहाँ आपको ऋण पत्र बांटना डिबेंचर इशू करना सिखाया जाएगा कर्जा लेने के लिए, और ऋण पत्रों का शोधन डिबेंचर का रिडक्शन मीन्स यहाँ लिया हुआ कर्जा कैसे वापस करें। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर बांटकर आपने लोगों से कर्जा लिया था उसे कैसे वापस करेंगे, किस तरीके से उसकी प्रोसेस है वो इसमें सिखाया। और ये चार चैप्टर है, शेयर बांटना अंश बांटना, शेयर छीन लेना अंश छीन लेना शेयर छीन लेना, ऋण पत्र बांटना, इश्यूज ऑफ डिबेंचर लोगों से कर्जा लेकर उन्हें डिबेंचर बांटना, और बाद में उनके कर्जे का भुगतान करना, बाद में उनके लोन की पेमेंट कर देना यहाँ सिखाया जाएगा। और ये एक महीने में वन मंथ प्रोग्राम फिक्स कर लीजिए, वन मंथ लगभग ये चार चैप्टर्स को लगते हैं, 25 मार्क्स के हैं ये चार चैप्टर्स। ओके, अब मैं आता हूँ लास्ट दो यूनिट पर। जैसे ये है आपकी सिक्स्थ यूनिट, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये चैप्टर केवल और केवल एक दिन का है, ओनली वन डेज। अगर सीरियसली बच्चा दो घंटे बैठ जाए एक दिन में चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कंपनी की एक बैलेंस शीट दी रहती है, उस बैलेंस शीट को याद करके उस बैलेंस शीट के कुछ मेन फैक्टर्स देख कर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये सिंपल सा चैप्टर है, यानी यहाँ आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि कंपनी कैसे अकाउंट बनाती है, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो किस प्रकार से अपनी बैलेंस शीट बनाती है। उसके बाद वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंपनी कितने टाइप के स्टेटमेंट बनाती है और कैसे बनाती है, इसमें आपको सिखाया जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है लेकिन बहुत आसान है, एकदम छोटे बच्चे भी इसे आसानी से कर ले अगर वो भी आपके साथ बैठ जाए तो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। उसके बाद ये चैप्टर है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, यानी इसमें कंपनी के सारे फैक्टर का, सारे तत्वों का अनुपात निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है। और ये भी बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन लाना है। एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे, सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। और ये तीन चैप्टर 18 नंबर के हैं, 18 मार्क्स के हैं। और लास्ट है सेवंथ यूनिट सातवीं इकाई, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश यानी पैसा, फ्लो यानी बहना, स्टेटमेंट यानी उसका विवरण बनाना, मतलब कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और उसका यूज कहाँ कहाँ होगा इसमें सिखाया गया है। तो ये जो लास्ट के चार चैप्टर है ये एकदम आसान चैप्टर है, एकदम ईजी चैप्टर है। अगर हम इनसे शुरुआत करें एक महीना, वन मंथ ये हो जाएगी। लेकिन अभी ऊपर से किस तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्डर इशू होते हैं, सिलेबस किस तरीके से डिसाइड होता है, इसलिए हम इसे स्टार्ट ना करते हुए शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।